तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमान की। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 6 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में कुल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे 2020 की, ठीक है, 2020 के जितने भी मंथली करेंट अफेयर की PDF है उसकी लिंक दी गई है, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे तरफ से एक गिफ्ट समझ लीजिए उसको, और उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि 2021 में जितने भी एग्जाम लगे हैं आपके, ठीक है, तो उनमें जो है उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिए अभी जो है बहुत सारे बच्चों का मैसेज डेली आते रहता है, सर मेरा बिहार दरोगा में हो गया, सर मेरा मतलब फला PGS में हो गया, मेरा शिक्षक भर्ती में हो गया। तो मतलब मैं चाहता हूँ यार देखो सक्सेस मिले सभी लोगों को। तो देखिए शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए और निःशुल्क है भी यहाँ पे, बस थोड़ा मोड़ा चार्ज किसी न किसी चीज़ में लग जाता है। तो बाकी जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उसको जो है बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो देखिए भारत की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम क्या है, मिताली राज, ठीक है। तो मिताली राज जो है ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान जिनका नाम था चार्लेट एडवर्ड, इनको पछाड़कर सभी फॉर्मेट का मतलब हो गया T20 और उसके बाद हो गया वनडे और उसके बाद क्या हो गया टेस्ट। तो T20 वनडे और टेस्ट इन तीनों फॉर्मेट्स में जो है सबसे अधिक रन बनाने वाली कौन महिला खिलाड़ी बन गई हैं, मिताली राज बन गई हैं। देखिए जो आपकी इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी चार्लेट एडवर्ड, इन्होंने कुल 10,273 रन बनाया था, तो इस आंकड़े को पार कर लिया है मिताली राज ने। इनका डेली बाई डेली आंकड़ा इससे ऊपर ही होते रहेगा, हर मैच में जो है बढ़ते रहेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए एक सूची अगर बनाई जाए दुनिया के सबसे अधिक रन बनाने वाले महिला क्रिकेटरों की, तो उसमें मिताली राज का नाम सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर इस सूची में नाम किसका रहेगा, इंग्लैंड की कप्तान चार्लेट एडवर्ड का, और इसके बाद फिर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स जो कि 7,849 रन इन्होंने बनाया है, ये तीसरे नंबर पर रहेंगी। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा रैंकिंग मैंने बना दिया। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार मुंह परंपरा को खत्म कर दिया गया। देखिए दरबार मुंह परंपरा नाम थोड़ा सा टेढ़ा मल लग रहा है, लेकिन इसी प्रश्न में इसी का जवाब छिपा हुआ है। दरबार मतलब जो राजा का दरबार होता है, मुंह मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो दरबार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की परंपरा को जो है खत्म किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या कारनामा किया है, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी थी जम्मू, ठीक है, इसके बीच कार्यालयों के स्थानांतरण की जो 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा थी इसको जो है औपचारिक रूप से इन्होंने समाप्त कर दिया है। यानी कि अब जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी से शीतकालीन और शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन में ट्रांसफ़र बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये परंपरा अब समाप्त हो गई है। देखिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मुंह से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दे दिया है, और प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मुंह कर्मचारियों के आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ ये है कि अब कर्मचारी या तो जम्मू या फिर कश्मीर में तैनात रहेंगे। यानी कि अगर आप जम्मू में चाहते हैं तो जम्मू में रहिए, कश्मीर में है तो कश्मीर में रहिए। और ये परंपरा जो है इसका इतिहास क्या है इसको हम आज देखेंगे डिटेल में। देखिए जो आपका जम्मू और श्रीनगर है तो इसमें मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मुंह करते थे, और जबकि श्रीनगर जो है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था और जम्मू शीतकालीन राजधानी के रूप में। तो यहाँ पे बार बार फाइल लेके एक जगह से दूसरी जगह, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर 2 राजधानी बन जाए, एक लखनऊ और एक आपका बन जाए गोरखपुर, तो योगी बाबा क्या करेंगे, 6 महीना लखनऊ में रहेंगे, फिर 6 महीने बाद जब ठंडी आएगी तो ये जो है फिर गोरखपुर आएंगे। मतलब ऐसे जो है बार बार ट्रांसफ़र करने में मज़ा नहीं आता है। आपको पता होगा देखिए कुछ ऐसे प्लेसेस हैं गर्मी में बहुत गर्म रहते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं ठंडी में बहुत ठंडे रहते हैं। तो होता क्या था कि देखिए गर्मी में ठंडे वाले जगह पे काम करते थे लोग ताकि गर्मी कम हो,
और ठंडी में गर्म वाले जगह पे, ताकि थोड़ी सी गर्मी बनी रहे, ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। तो ऐसे बार बार ये लोग ट्रांसफ़र करते थे राजधानियों को। देखिए, ऐसा माना जाता है कि एक डोगरा सम्राट थे, इसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी, ग्रीष्मकालीन से शीतकालीन और शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन। और इस परंपरा को 1947 के बाद, यानी कि जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया था, क्योंकि ये एक प्रमुख पुल के रूप में काम करता था तथा कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के दो विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच में बातचीत के लिए एक स्थान था। तो ये आपका इतिहास है जो आपका जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का दरबार मुंह परंपरा है। तो दरबार मुंह परंपरा किसे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। इस परंपरा को अभी हाल ही में ख़त्म कर दिया गया, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। डिटेल मैंने इसलिए बनाया है बताया ताकि कहानी आपको याद रहे और आप एग्जाम में उसको याद रखें। तीसरा प्रश्न कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने? तो देखिए, त्रिपुरा राज्य जो आपका है, वहाँ के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं KN भट्टाचार्य। यहाँ पे फोटो दिख रही है KN भट्टाचार्य का। देखिए, त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है, और 2012 में त्रिपुरा में जो पहला लोकायुक्त था ये अपॉइंट किया गया था, यानी कि लोकायुक्त नियुक्ति 2012 में पहली बार त्रिपुरा में हुई थी। और भट्टाचार्य जी जो है, यानी कि KN भट्टाचार्य जो है, ये त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त हैं क्रम से। आपको बता दूं, एक वकील के रूप में पद संभालने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। वैसे तो जो रिटायर्ड जज होते हैं इनको लोकायुक्त बनाया जाता है, लेकिन ये जो है एक सरकारी वकील थे, तो रिटायर्ड होने के बाद इनको जो है लोकायुक्त बना दिया गया। देखिए, इन्होंने इस पद पर प्रदीप कुमार सरकार का स्थान लिया है, यानी कि KN भट्टाचार्य जी से पहले प्रदीप कुमार सरकार जो है त्रिपुरा के लोकायुक्त थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनके जगह पे KN भट्टाचार्य जी अपॉइंट हो गए हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण कुल 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना जो है, ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। और देखिए, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसके संस्थापक कौन है? वीर सिंह है। इसकी स्थापना 24 जून 1908 को की गई थी। इसके MD और CEO कौन है? एस कृष्णन। पांचवा प्रश्न की लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन को लिखा है कविता राव ने। देखिए, जो ये पुस्तक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भारत की पहली महिला डॉक्टर कह लिया जाए उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो कविता राव जो राइटर हैं इस पुस्तक की, इनकी जो पुस्तक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, तो इसके अंश में जो है रुखमा बाई राउत की कहानी है। रुखमा बाई राउत कौन है ये भी क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए, रुखमा बाई राउत जो है ये एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी, और ये जो है औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच में एक बाल वधू के रूप में अपनी शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती थी। तो ये इतिहास है किसके बारे में, ये डिटेल्स था किसके बारे में, ये था रुखमा बाई के बारे में, ठीक है, जिनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई है कविता राव के द्वारा। इस पुस्तक का नाम क्या है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसको याद रखेगा। छठवां की हाल ही में डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए, डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने हाल ही में अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। आपको बता दूं, जो ये समझौता हुआ है एक्सिस बैंक के बीच में और अमेजोन वेब सर्विसेज के बीच में, तो इस समझौते के हिस्से के रूप में एक्सिस बैंक जो है ये अमेजॉन वेब सर्विसेज की मदद से अपने कस्टमर्स को उन्नत बैंकिंग अनुभव लाने के लिए नई डिजिटल वित्तीय सेवाओं का एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा, जिसमें ऑनलाइन खाते भी शामिल हैं।
और एक्सिस बैंक के बारे में जान लीजिए। देखिए एक्सिस बैंक जो आपका है, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। सातवां प्रश्न हमारा कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस किसने जीता है? तो जो आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस है, इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। देखिए मैक्स वर्स्टप्पन ने बैक टू बैक लगातार 3 जो है ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला वन रेस जीता है। देखिए फार्मूला वन की ट्रैक पर मैक्स वर्स्टप्पन जो है इन्होंने हैट्रिक लगाया है। देखिए 20 जून से लगाए 4 जुलाई तक की बात करें तो 20 जून से लगाए 4 जुलाई तक इन्होंने टोटल 3 फार्मूला वन रेस जीते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता था, उसके बाद स्ट्रायरिन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता था और अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन, ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है। तो लगातार 3 रेस ये जो है जीते हैं लगातार इन्होंने 20 जून से लगाए 4 जुलाई के बीच में। और देखिए अपने रेसिंग करियर में इन्होंने पहली बार लगातार 3 रेस जीते हैं, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है मैक्स वर्स्टप्पन के लिए। देखिए आपको बता दूँ जो आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स था ये इस साल 2021 का फार्मूला वन वर्ल्ड का जो है टोटल 9वां रेस था इस सीजन का। और आठवां प्रश्न की कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? तो देखिए जो आपकी महिला तैराक माना पटेल हैं ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं। देखिए कोई भी इवेंट अगर पहली बार होता है, मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट फर्स्ट इवेंट, और कोई भी घटना अगर पहली बार घटती है तो एग्ज़ाम में मान चलिए बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है, वो मिटना नहीं है, ठीक है। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक कौन बनी? महिला तैराक माना पटेल, ठीक है। देखिए माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, और अब जो है जो आपका टोक्यो ओलंपिक होगा इसी महीने में, तो उसमें 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी माना पटेल जी। नवा प्रश्न की केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए जो अब LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन होगा वो 62 साल की उम्र में रिटायर होगा, 60 साल नहीं, ठीक है। और देखिए इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम नियमन 1960 में जो है संशोधन किया गया है, और चालू वित्त वर्ष के अंत तक LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव भी है, जिसके तहत LIC के जो शेयर होंगे उनको सूचीबद्ध किया जाएगा स्टॉक मार्केट में। और देखिए LIC के बारे में आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो मोस्टली, और UPSC और PCS में तो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि देखिए LIC का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, और क्या है ये आपको आगे पता चलता रहेगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, समय कम है। देखिए LIC के जो चेयर पर्सन हैं इनका नाम है MR कुमार। LIC की स्थापना भारत सरकार ने 1 सितंबर 1956 को की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सबसे अधिक क्या पूछा जाता है अगर बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके चेयरपर्सन का नाम याद रख के जाइएगा। दूसरा सबसे अधिक इसका स्थापना का वर्ष पूछा जाता है कि LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1956 में। और दसवां प्रश्न की हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया है? तो देखिए लोकपाल दीपक वर्मा ने हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हैं तो इनका जो है हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर इनको पुनः बहाल कर दिया है। कुछ कारणों से अजहरुद्दीन को निलंबित कर दिया गया था। 11वां प्रश्न की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई? देखिए अब तक बहुत ही चर्चा में रहती थी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ठीक है, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था विदेश में जाके। तो एक और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं जिनका नाम है सिरिसा बादल। यहाँ पे मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका दिख रहा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा और काली जुल्फें, जो भी हो गाना मुझे भूल गया है। तो अभी याद रखिए कि ये प्यारी सी जो बच्ची हैं सिरिसा बादल, इन्होंने भारत का मान बढ़ा दिया है विदेश में। देखिए ये भारतीय मूल की महिला जो आपकी सिरिसा बादल हैं ये वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिट में अंतरिक्ष की एज की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। तो 11 जुलाई को एक ऐतिहासिक दिन होगा, भारत की एक और प्यारी सी बच्ची अंतरिक्ष में जाने वाली हैं, और ये इसी के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हो जाएंगी, ठीक है। तो कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनेगी? सिरिसा बादल, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने देश को बहुत ही गौरवान्वित किया है, ठीक है।
12वां प्रश्न है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जुलाई 2021 में किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो देखिए भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे जो है ये जुलाई 2021 में यूनाइटेड किंगडम और इटली की यात्रा पर गए हुए हैं। देखिए ये पहुंच चुके हैं ब्रिटेन में, वहां पे वार्ता वगैरह करेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इनके आने के बाद चर्चा की जाएगी कि इन्होंने और क्या क्या काम किया यूनाइटेड किंगडम में और इटली में। देखिए इनकी जो यात्रा का मुख्य आकर्षण है ये इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करना होगा। देखिए जो भारतीय सेना का ये स्मारक है किस पर बेसिस है, देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान मोंटे कैसिनो प्लेस जो आपका है जो इटली में है, तो इसकी लड़ाई में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो देखिए भारतीय सैनिक 5,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, किस लिए, जो आपका फांसीवादी ताकत था उससे जो है इटली की रक्षा के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो इन्हीं के वीरता को चिन्हित करने के लिए वहां पे स्मारक बनाया गया है जिसका उद्घाटन कौन करेंगे, भारतीय सेना प्रमुख कौन, जनरल MM नरवड़े यानी कि मनोज मुकुंद नरवड़े। और 13वां प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है। तो देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि इंडियन ओवरसीज बैंक की जो है प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है इसका मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है, और फरवरी में जो बजट पेश किया गया था इसमें दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक इन दोनों की जो है कुछ हिस्सेदारी यानी कि लगभग देखिए किसी बैंक का अगर 51% हिस्सेदारी बेच देंगे तो वो प्राइवेट बैंक हो जाएगा, ठीक है, उसका मालिकाना किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा जो खरीदेगा। तो अभी क्या है 51% से अधिक शेयर जो है भारत सरकार के पास है इन दोनों बैंकों के, इसलिए ये भारतीय एक तरीके से कहा जाए सरकारी बैंक है। देखिए निजीकरण वाला जो ये मामला था तो इसको देखते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में पिछले एक महीने में 57% की तेजी आई है, और बैंक का जो मार्केट कैपिटल है ये 51,887 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का मार्केट कैपिटल कितना है वर्तमान में 46,411 करोड़, और बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना है 44,112 करोड़ रुपये, यानी कि इन दोनों बैंकों से आगे पहुँच गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब सवाल ये उठता है कि भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है, तो देखिए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये तीन देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो ये टोटल इसकी मार्केट कैपिटल है, इसके मार्केट कैपिटल के लिहाज से ये पहले नंबर पर है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है इंडियन ओवरसीज बैंक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, इसके CEO है कौन पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, संस्थापक इसके हैं MCTM चिदंबरम चेट्टियार, और स्थापना इसकी 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में की गई थी। देखिए आज़ादी के पहले भारत में बहुत अच्छे अच्छे बैंक खुले थे और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी बेचने पे तुले हुए हैं, तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक को भी बेच देंगे, ये प्राइवेट बैंक बना देंगे उसको। देखिए मोदी गवर्नमेंट में सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये निजीकरण वाला मामला सामने आता है तो दिल को बहुत चोट पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिन रात एक ही सपना लिए हैं कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, और आजकल लड़की वाले भी जो है सरकारी नौकरी वाला ही लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़कियों की भी पहली च्वाइस है कि मुझे सरकारी पापा मुझे सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। यार ये बताओ अगर कहा जाए कि मतलब केवल 10% लड़कों के पास ही सरकारी नौकरी है तो ये 90% लड़के बेचारे कहाँ जाएंगे, इनकी शादी कैसे होगी। तो देखिए सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसलिए अधिक से अधिक जो है सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए, जब सरकारी संस्थाओं की संख्या अधिक रहेगी तब तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो मैं दर्द समझ सकता हूँ, लड़कियों के सामने भी समस्या है कि उनके पापा के पास दहेज देने के पैसे नहीं है, वो चाहती हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो मेरे पिताजी को दहेज नहीं देना पड़ेगा, मैं अपने शादी का खर्चा खुद संभाल लूँगी। तो देखिए सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और मेहनत में लगे हुए हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ा जाए, तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो मेरे लिए सब बराबर हैं, यहाँ पे किसी भी जात धर्म लिंग का भेदभाव नहीं है, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका इन्वेस्ट इंडिया है 2009 में इसको स्थापित किया गया था भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा।
और ये जो है आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। ये राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है और इन्वेस्ट इंडिया भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारी राम कहानी याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि इन्वेस्ट इंडिया जो है दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया इसको हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों के साथ सैन्यभ्यास किया, इसका आंसर बताइए प्लेस कौन सा है। और वीडियो को अगर आप लाइक करना भूल गए तो उसको तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है, इस बैंक का नाम बताइए। और तीसरा कि भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को कितना रखा है, बताइए। चौथा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन माने, तो ये व्यक्ति आपके हैं पुष्कर सिंह धामी। और दूसरा था, देखिए दूसरा था कि किसे 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मरियप्पन थंगावेलू। और तीसरा था कि हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो इन पर 2 सालों का प्रतिबंध लगा है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया, तो देखिए ये अमेरिका के रक्षा सचिव थे। और पाँचवा था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस प्लेस पर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी, तो ये प्लेस आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।